तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग के यूजर फॉर्म के बारे में। तो कल की क्लास में यूजर फॉर्म पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे हम डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यूजर फॉर्म इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन यूजर फॉर्म को प्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो हम विजुअल बेसिक में जाके हम इसको शो कर रहे हैं। तो ऐसे कैसे शो करें, क्या तो ऐसे शो करना, अगर आप किसी बटन के थ्रू शो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके अंदर एक मॉड्यूल्स ऐड करना पड़ेगा और उस मॉड्यूल्स में एक मैक्रो बनाना पड़ेगा कि शो INQU के नाम से, कुछ भी नाम अपना दे दे, इंक्वायरी यूजर फॉर्म में बोल दिया, इंक्वायरी फॉर्म मान लीजिए कि अंडरस्कोर इंक्वायरी फॉर्म। और यहां पे हमें करना पड़ेगा कि यूजर फॉर्म वन डॉट शो, ठीक है, यूजर फॉर्म वन डॉट शो। अब मैं यहां पे एक बटन लगाता हूं, यहां पे बटन, जैसे बटन यहां पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस मैक्रो को असाइन करना पड़ेगा, तो यहां पे आ गया। और यहां पे हम यहां पे लिख देते हैं फॉर्म, या फिर जो मैक्रो हमने बनाया है उसको मैक्रो लिस्ट में जाएं और ऑप्शन पे जाके यहां पे इसका शॉर्टकट डिफाइन करें, राइट। अब यूजर फॉर्म में हम एक छोटा सा तब्दीली करने जा रहे हैं, तब्दीली करने जा रहे हैं कि हो सकता है कि पहले से किसी ने कॉल किया, कि मान लीजिए कि जैसे यहां पे नंबर डाला कि 8802579388, तो ऐसा होना चाहिए कि पहले हम इसको सर्च करेंगे, अगर अगर इसमें होगा तो पूरी डिटेल आ जानी चाहिए, अगर नहीं होगा तो इसमें डिटेल नहीं आनी चाहिए, समझे। तो मैं एंट्री करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप शो करना चाहते हो, कि आपने कल की क्लास में बताया कि आप यूजर फॉर्म से डेटा सीट पे कैसे भेजेंगे, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीट पे सीट की डेटा यूजर फॉर्म पे कैसे लाएंगे। चलिए, सॉरी गलती हो गई, यहां से बटन लेना है ना, बटन में यहां चेक चेक, ठीक है। अब इसको हम प्ले करें, चेक पे क्लिक करें तो इसको चेक करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ यही अनेबल है, बाकी सब डिसेबल है, मतलब कि बाकी समय डेटा एंट्री हम कब करें, जब इसके जब हमारा वैल्यू इसमें मैच ना करे तो इसके लिए हम यहां पे आते हैं, एक एक करके जाके आप यहां पे इसकी जो अनेबल है यहां पे इसके इसमें जाएंगे ना तो आपको अनेबल मिलेगा, अनेबल को फॉल्स करना पड़ेगा, लेकिन यहां बहुत सारा है तो यहां एक एक करके जाके फॉल्स करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो क्यों ना इसको कोड के जरिए हम फॉल्स कर देते हैं। तो इन स्लाइड में नीचे यहां देते हैं कि मी डॉट यूजर टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट अनेबल इक्वल टू फॉल्स, एंड इसको कॉपी किया, देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहां पे टू की जगह पे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और कहां तक है मैं देख लेता हूं, एट तक, एट,
और एक आपका आता है मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एनेबल इक्वल टू फॉल्स। अब क्या होगा जब यूजर फॉर्म रन करेगा तो इन सबों पे किसी पे हम टाइप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इस पे टाइप करेंगे। तो इस पे हम नंबर टाइप करेंगे और नंबर टाइप करने के बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद अगर डेटा एग्जिस्ट करेगा तो उसकी पूरी रिकॉर्ड आ जाएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर हमें एक मैसेज देगा और फिर ये सारा अनेबल हो जाएगा नया एंट्री के लिए। चलिए तो इस पे डबल क्लिक करते और यहां पे हम लगाते हैं, अब मुझे चेक करना है कि नहीं है। तो इसके लिए हम यहां पे सबसे पहले काउंट इफ का डिम सी एज ए इंटीजर और यहां पे सी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ। काउंट इफ में हमने इसको किया शीट्स आई एन क्यू डॉट रेंज ए बाई ए डॉट किसको शो करना है मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, इसका एक काउंट करेगा। फिर कंडीशन होगा कि इफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन, अब यहां पे एक और हम यहां पे कॉमा आर कर देते हैं ही कॉमा आर, तो आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, और यहां पे क्या मैच करना है तो मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू किसमें करना है तो हमें मैच करना इसमें करना है इंक्वायरी में और कॉमा जीरो फोर एग्जैक्ट मैच। उसके बाद मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वन नहीं टू टू डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट शीट्स इसके अंदर में आई एन क्यू सीट नेम दिया और फिर यहां पे करते हैं हम सेल्स और सेल में देते हैं हमारा आर रो हो जाएगा और कॉलम टू डॉट वैल्यू। अब इसी प्रोसीजर को नीचे की तरफ सम में करना है तो टू थ्री फोर फाइव एक मिनट देख लें ऊपर कॉम्बो बॉक्स किस पे है फाइव इस पे सिक्स फाइव के बाद है सिक्स से पहले फाइव के बाद है यहां पे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू और ए इसकी सीक्वेंस चेंज करता हूं मैं फिलहाल में सिक्स सेवन और यहां पे एट ये होगी यहां की वैल्यू और यहां हो जाएगा हमारा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। ठीक है वैल्यू लोड हो गया
और यहां पे जाएगा एंड। लेकिन मैच नहीं हुआ तो, मैच नहीं हुआ तो, अगर मैच नहीं हुआ तो यहां पे एक और कंडीशन देते हैं कि इफ, या यहीं पे एल्स देते, एल्स देते, एल्स, एल्स में हम कहते हैं के इक्वल टू एम एस जी बॉक्स, यहां पे डू यू वांट टू न्यू एंट्री, यहां पे यस एंड नो, और टाइटल न्यू रिकॉर्ड एंट्री, ये हमने कर दिया। अब यहां पे मैसेज देना है कि यहां पे कि इफ के इक्वल टू वीवीएस, वीवीएस दैट, अब प्रॉब्लम क्या है कि सबको अनेबल करना है, हमने इसको डिसेबल किया है ना, अब इस सबको मुझे अनेबल करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मुझे अनेबल करना है और डिसेबल करना है, इतना सारा करना पड़ेगा। तो हमने बताया था ना हम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहां पे हम लिखते हैं फंक्शन ई एम के नाम से ब्रैकेट सी नहीं ओ एज ए बुलेट, और फिर मैं ये पूरा देता हूं, बस फर्क क्या है कि इसमें जो मी है, मी के जगह पे मुझे यूजर फॉर्म, ऐसे चलेगा, मी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और बस फॉल्स के जगह पे मुझे ओ दे देना है, ओ, क्योंकि हम ट्रू एंड फॉल्स दोनों के लिए ही करना चाहते हैं। जैसे कल के डेट में मैंने क्लियर के लिए, कल की क्लास में मैंने आपको क्लियर के लिए बताया था, ओ विपिन जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है आपके बैकग्राउंड से। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मान लीजिए कोई भी ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ला लिया वाई इक्वल टू EN, और EN के जगह पे मैंने फॉल्स ले लिया, और यहां पे मैं देता हूं Y इक्वल टू EN, और इसके जगह पे मैं ट्रू दे दूंगा। तो दो दो जगह कोट लिखने से हम बच गए, then and if, और फिर यहां पे and if। अब देखिए क्या होगा, अब मैं यहां से फॉर्म को ओपन करता हूं, ओपन किया, अब देखिए सारा डिसेबल है, डिसेबल है, कुछ इसमें नहीं टाइप कर सकता, लेकिन जैसे मैं 8802579388 और जैसे मैंने चेक पे क्लिक किया, रिकॉर्ड्स आ गए, रिकॉर्ड्स आ गए, मतलब कि ए एंट्री ऑलरेडी है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मैं कोई गलत रिकॉर्ड, मैंने कोई नया रिकॉर्ड डालता हूं, नया, अब देखिए ए रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड एंट्री, डू वांट टू न्यू एंट्री, यस पे क्लिक करूंगा तो ये सारा अनेबल हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस डाटा को क्लियर नहीं किया, तो प्रीवियस डाटा भी क्लियर करना है ना मैं, क्या तो प्रीवियस डाटा को क्लियर, मतलब यहां पे आते हैं ट्रू करें और यहां पे चलाए क्लियर के लिए क्या फंक्शन बनाया, देखिए यहां भी आ गया ना यूज क्लियर का, हमने क्लियर के लिए कोई फॉर्मूला बनाया था ना, हाँ सी एल, तो यहां पे भी हम करते हैं इक्वल वाई इक्वल टू सी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज,
तो इससे क्या होगा कि ओपन, कि अगर मैं यहां पे नया एंट्री, यहां पे मान लीजिए नया एंट्री डाला तो यहां पे चेक हो रहा है, तो रिकॉर्ड आ रहा है। कोई पुराना एंट्री करते हैं, चेक पे क्लिक करते हैं, तो क्योंकि पुराना एंट्री है इसलिए मैंने यस पे क्लिक किया तो ये सारा क्लियर है। लेकिन हाँ, क्लियर इसने मोबाइल नंबर को भी कर दिया, मोबाइल नंबर को क्लियर नहीं करना था, तो उसके लिए हमें अब क्या करें इसमें, क्योंकि सीएल चला चुके हैं ना, तो यहां पे ये करते हैं p इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, और सीएल चलाने के बाद वापस हम यहां इस पे लोड कर देते हैं कि मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू p। ठीक है, अब देखिए कि यहां पे अगर मैं 8802579388 डाला, रिजल्ट आ गया। अगर मैं कोई गलत रिकॉर्ड डालूंगा तो चेक पे क्लिक करेगा, यस, तो ए रहेगा, बाकी सब नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें करनी है कि चेक को डिसेबल कर देना, ये चेक दिख रहा है ना, इसको डिसेबल कर देना कि इसमें क्लिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर रिकॉर्ड मिलता है, रिकॉर्ड अगर मिलता है तो सबमिट को क्लियर करना है, मतलब दोबारा दोबारा एंट्री कर देगा, सबमिट को डिसेबल करना है। तो इसके लिए हम चेक पे आते हैं, इसके अंदर में हम बोलते हैं मी डॉट कमांड बटन वन डॉट अनेबल इक्वल टू फॉल्स, और यहां पे फिर मी डॉट कमांड बटन वन डॉट अनेबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, मतलब कि अगर रिकॉर्ड मिला तो डिसेबल कर दीजिए और नहीं मिला तो अनेबल कीजिए। तो अगर मैंने यहां पे 8802579388 किया चेक, तो देखिए डिसेबल हो गया। लेकिन यहां पे अगर मैं कुछ नया रिकॉर्ड डालूं, यस करूं, तो अब यहां पे ये अनेबल हो गया, अब मुझे इसको डिसेबल करना है क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया। क्या सर? क्योंकि चेक पे फिर वापस, मान लो गलती हुआ तो फिर वापस क्लियर कर देगा ना। अगर मैं नो करता हूं तो भी कुछ नहीं होगा, समझे कुछ? तो मुझे क्या करना है कि जैसे यस पे क्लिक किया, इसी में करते हैं कि मी डॉट कमांड बटन थ्री डॉट अनेबल इक्वल टू फॉल्स, डिसेबल हो जाए। तो यहां पे जैसे मैं 8802579388 सर्च किया, रिकॉर्ड सर्च आ गया, ये डिसेबल हो गया। अब मैं यहां पे नई एंट्री के लिए नया नंबर डाला तो ये पूछता है डिवाइड टू यस, हो गया, अब ये डिसेबल हो गया, नया एंट्री हम सबमिट कर देंगे। अब मान लीजिए कि फिर मुझे दूसरे नंबर को चेक करना है, मुझे यहां पे मान लीजिए 88 करना है, चेक करना है, अब ये डिसेबल नहीं, डिसेबल है, वर्क ही नहीं हो रहा है। हमने एक नया रिकॉर्ड सबमिट कर दिया, अब ये अनेबल नहीं हो रहा है। अब इसको अनेबल करने के लिए फॉर्म को दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे मैं टेक्स्ट बॉक्स वन में कोई चेंजिंग करूं तो ये ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, यहां पर चेंज, और लिखूंगा कि मी डॉट कमांड बटन वन डॉट अनेबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि मैंने 8802579388 सर्च चेक किया, रिकॉर्ड आ गया, मैंने नई रिकॉर्ड नई नंबर को वापस चेक किया तो हमने नया एंट्री कर दिया, ये डिसेबल हो गया। अब कल के डेट पे जैसे यहां पे कुछ चेंज करेंगे कि 8802579388 हो जाना चाहिए,
ये अनेबल क्यों नहीं है, एक मिनट। माफ कीजिएगा, हमने कॉम्बो वर्क्स वन कर दिया है। ओह, मुझे करना है मी डॉट चेक बॉक्स, सॉरी कमांड बटन थ्री डॉट अनेबल, तो बोल रहा हूं एक पॉइंट को छोड़। अब मैं इसको प्ले करता हूं, समझ में आ रहा है सर? चेक किया, नया एंट्री डाला, यस किया, डिसेबल। जैसे इस पे चेंज कर रहे हैं दिख रहे वापस अनेबल हो जा रहा है। ठीक है सर, अब एक चीज यहां पे करना है, लेकिन एक दिक्कत और आ गई। जैसे 8802579388 किया, चेक किया, रिजल्ट आ गया। अब नई एंट्री यहां पे डाले, चेक किया, यस किया, ये सारा अनेबल हो गया। ठीक है, फिर वापस हम इसको चेक कर रहे हैं, मान लीजिए तो ये अनेबल है, अनेबल है, ये अनेबल नहीं डिसेबल होना चाहिए ना, क्या बोल रहे? तो डिसेबल के लिए हमें चेक पे कि अगर रिजल्ट मिलता है तो भी डिसेबल करना है। तो यहां पे y इक्वल टू EN, इसके जवाब पे फॉल्स कर देते हैं, अब सही हो गया। अब दूसरा यहां पे करना है कि जैसे रिकॉर्ड मिलता है, अब चेक जो है यहां पे चेक है, अब मुझे इस पे ये चेक जो है एडिट बन जाना चाहिए, मतलब कि मैं चाहता हूं इस रिकॉर्ड को एडिट करना, समझे? मैं चाहता हूं इस रिकॉर्ड को एडिट करना। तो आपको एक यूजर फॉर्म बनाना है, आप लोगों ने कल किया नहीं था इसलिए, एक यूजर फॉर्म बनाना है। उस पर क्या करना है कि आपको पहले डेटा को लोड करवाना है, राइट, और फिर उसी फॉर्म के जरिए डेटा को एडिट करवाना है। मतलब एक ही फॉर्म होगा जो कि डेटा एंट्री, नई एंट्री करने के लिए भी होगा, एंट्री को चेक करने के लिए भी होगा, और एंट्री को एडिट करने के लिए भी होगा। ठीक है, तो मुझे आप लोग एक ऐसा यूजर फॉर्म और बना के दीजिए। रेफरेंस के लिए जो कोड्स है, ये फाइल तो मैं नहीं भेज सकता क्योंकि मैं ऑफिशियल फाइल है, लेकिन इसकी कोड्स मैं आपको भेज देता हूं, कोर्स आप देख लीजिए। नहीं, फाइल भी भेज सकता हूं, मैं नई फाइल बना देता हूं, माफ कीजिएगा, मैं नई फाइल ही बना देता हूं। अब नई फाइल देखिए, अब मुझे इसकी यूजर फॉर्म कैसे कॉपी करना वो भी देख लीजिए। आई एन क्यू आकर पेस्ट करते, क्योंकि मैं डेटा नहीं दे सकता ना, यहां पे हम पेस्ट कर दिए और इसकी डेवलपर में जाते हैं। अब मैं यूजर फॉर्म वन जो आया, अब इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेता हूं। और यहां जो बुक टू है इसके अंदर एक यूजर फॉर्म को इंसर्ट करता हूं और इसको बड़ा करता हूं और फिर इसको वो सारी चीज हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है सर, आ गई। और फिर अब लेकिन इसमें कोडिंग नहीं आई है, ध्यान रखिएगा, इसका कोड्स नहीं आया। कोड्स के लिए इसे डबल क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर वापस उस यूजर फॉर्म में जाता हूं,
और इस पर डबल क्लिक करता हूं और इसकी कोड्स को पेस्ट कर देता हूं। अब आपका सेम फाइल बन गया। ये फाइल भेज रहा हूं यूजर फॉर्म को। आप लोग प्लीज इसमें इंक्वायरी का एडिट का जो पार्ट है, एडिट पार्ट को एक बार कर लीजिए प्लीज। ठीक है सर, मैं आपको सबको मेल कर देता हूं। ओके, बाय, गुड नाइट।